नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शब्द और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और टॉपिक के बारे में जिसका नाम है द कंपटीशन एक्ट 2002, यानी कि प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के बारे में। और इसके हम थोड़े से ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे और मेन प्रोविजंस के बारे में जानकारी लेंगे। और ये टॉपिक आप जानते हैं, हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस यूनिट की से, जो कि आपका UGC नेट और UPSC असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स के अंदर आता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ये सारे। और इससे पहले के वीडियोस में हमने बिजनेस एनवायरनमेंट, HRM, बैंकिंग मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, ये सारे टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं और इनके ऊपर मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। प्लेलिस्ट जो बनाई है मैंने वो यूनिट वाइज बनाई है, जहाँ से आप सबको बहुत ही आसानी से वीडियोज़ जो है मेरी वो अलग अलग प्लेलिस्ट के माध्यम से मिल जाएगी, तो आप उन सभी को चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो में। तो थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री आपको मैं बता देना चाहता हूँ यहाँ पर। तो जो कॉम्पिटिशन एक्ट है, इनकी प्रतिस्पर्धा अधिनियम है, ये जो अधिनियम है उससे पहले एक एक्ट था, बहुत ही बहुत ज़्यादा पहले था, 1969 यानी कि 1969 के दरमियान ये एक्ट आया था। इसका नाम था मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, MRTP एक्ट, इसको शॉर्ट में बोलते थे MRTP। ठीक है, बहुत ही कह सकते हो रिजिड था ये। और एक तरह से आप मोनोपोली के बारे में जानते हो, देखिए मोनोपोली क्या होता है पहले आपको थोड़ा सा मैं इसका शॉर्ट सिंपल फॉर्म में बता दूँ इसका होता मतलब क्या होता है। देखिए मोनोपोली एक तरह का मार्केट स्ट्रक्चर है या फिर मार्केट की पॉलिसी वहाँ पर, जहाँ पर मार्केट में सिंगल सेलर हो जाए, यानी कि एक मार्केट में एक उस तरह की चीज़ सिर्फ एक ही व्यक्ति या फिर एक ही सेलर बेच रहा होगा, तो उसको हम मोनोपोली बोलते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए इंडिया में बहुत मोनोपोली के एग्जांपल्स बहुत कम मिलते हैं, तो इंडिया में जो जैसे कि रेल की जो सुविधा है, जैसे रेलवे की जो सुविधा है वो सिर्फ गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट जो है वो सिंगल सेलर है रेलवे। अगर आप रेल से यात्रा करना चाहते हो, रेलवे से यात्रा करना चाहते हो, ट्रेन से यात्रा करना चाहते हो, तो वो जो है वहाँ पर उस गवर्नमेंट की मोनोपोली है। इसका मतलब ये है, ठीक है। जैसे कोई भी एक प्रोडक्ट जो होता है वो सिर्फ उसी कंपनी का आपको लेना पड़ेगा जहाँ पर इसकी मोनोपोली हो जाती है। सिंगल सेलर जहाँ पर होता है उसको हम मोनोपोली बोलते हैं। तो ये मोनोपोली जो है किसी भी मार्केट के लिए अच्छी नहीं है, कंज्यूमर के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर क्या होगा, जो जिसकी मोनोपोली होगी, जो इंसान सिंगल सेलर बना बैठा है, वो आपका शोषण कर सकता है, आपका फ़ायदा उठा सकता है, आपसे जितना चाहे उतना प्राइस मांग सकता है। तो और सबसे बड़ी जो खामी होती है मोनोपोली की वो ये होती है कि यहाँ पर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब यह है कि एक मार्केट में वो प्राइस रखेगा 10 रुपये, तो दूसरी मार्केट में वो प्राइस रख सकता है 15 रुपये या फिर 20 रुपये, तो अपने हिसाब से वो प्राइस चेंजेस कर सकता है दूसरी मार्केट्स में, मार्केट में जियोग्राफी के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है। तो इसको रोकने के लिए MRTP एक्ट लाया गया था, खास करके मोनोपोलीज और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस रोकने के लिए। रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस कहते हैं जिसके लिए रिस्ट्रिक्शन होता है, जैसे मान लीजिए ड्रग्स है, ड्रग्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, तो उसको रोकने के लिए ये एक्ट आया था उस टाइम पे। ठीक है, तो ये बहुत पुराना एक्ट है और जो ये जो एक्ट है उसका जो उसकी जो इंस्पिरेशन है वो मिली थी हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 38 और 39 से, जिसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। और ये जो आर्टिकल 38 और 39 है या 38 और 39 एक्ट जो आर्टिकल्स हैं वो DPSP के हैं, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से लिए गए हैं। और DPSP आप सभी जानते हैं, अगर आपने पॉलिटी कहीं ना कहीं पढ़ी है तो आपको पता होगा कि DPSPs को हम सुप्रीम कोर्ट में केस उस पर नहीं कर सकते हैं, उसके ऊपर वाद नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो वो सिर्फ जो है गवर्नमेंट के लिए होती है कि गवर्नमेंट को इस तरफ जाना है, इसलिए वो बनाया गया था और DPSPs बनाए गए थे। लेकिन जो इस एक्ट के में जो लिखा हुआ है उसके बारे में, इन्होंने इंडस्ट्रीज़ के ऊपर जो रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं या फिर इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देने के लिए ये एक्ट लाया गया था, मान लीजिए ऐसा आप इतना समझ जाएंगे तो काम हो जाएगा आपका। ठीक है, तो MRTP एक्ट जो बहुत ही बिकम ऑब्सोलीट इन सर्टेन एरियाज एंड फोकस शिफ्टेड फ्रॉम द कर्बिंग मोनोपोलीज प्रमोटिंग ऑपरेट कॉम्पिटिशन। ठीक, देखिए इसका जो मेन मोटिव हो गया वो कॉम्पिटिशन के ऊपर ना रह के इसने कॉम्पिटिशन को बुरा मानना शुरू कर दिया। ये एक्ट जो था वो थोड़ा रिजिड हो गया और इस वजह से इसको हटाना पड़ गया, क्योंकि उस टाइम पर क्या था, आप अगर आपने कहीं ना कहीं अगर हिस्ट्री पढ़ रखी है हमारी मॉडर्न हिस्ट्री, तो उसमें देखा जाता है कि जो इकोनॉमिक हिस्ट्री अगर आपने पढ़ी है, तो इंडिया के आज़ाद होने के बाद हम लोगों ने क्या किया, सोशलिस्ट जो पॉलिसी है वो अपनाई। सोशलिस्ट आप सभी जानते होंगे, जहाँ पर क्या होता है गवर्नमेंट का रोल मार्केट में बढ़ जाता है और जो प्राइवेट इंटरप्राइजेज हैं उनका रोल थोड़ा कम हो जाता है। ठीक, इस तरफ हमने मिक्स्ड इकॉनमी को फॉलो किया था, लेकिन हमारा जो थोड़ा सा टिल्ट है, यानी कि हमारा तो थोड़ा सा झुकाव था, वो सोशलिस्ट पॉलिसीज की तरफ चला गया था, क्योंकि जो नेहरू जी थे उन्होंने वो जो रशिया को ज़्यादा देखते थे, उनको ज़्यादा वो ज़्यादा वहाँ से इंस्पिरेशन लेते थे, तो इसलिए उन्होंने सोशलिस्ट पॉलिसी की तरफ रुख कर दिया था। तो वो धीरे धीरे करके उसमें जो है करप्शन आता गया और चीज़ें और ख़राब होती चली गई इकॉनमी के मामले में। तो वहाँ पर
इकॉनमी के मामले में हम देखते हैं कि यहाँ पर परमिट राज जो है उसकी जो है उसका जो दौर चला वहाँ पर क्या होता था, लाइसेंस राज, परमिट राज, आपको कोटा लेना है, अगर आपको छोटी सी इंडस्ट्री लगानी है तो उसके लिए भी आपको बहुत सारे क्या बोलते हैं उसको पेपर वर्क करना पड़ता था और बहुत सारी चीज़ों को हमको देखना पड़ता था कि ये यहाँ से परमिशन लो, वहाँ से परमिशन लो, या कि रेड टेपिज़म हो जाता था, करप्शन होता था, बहुत सारी चीज़ें होती थी। तो इस वजह से जो परमिट राज था उसकी और परमिट राज के मामले में मतलब उस दौर में आपका जो MRTP एक्ट है वो और ज़्यादा खतरनाक साबित हुआ और इसको हटाने के लिए, इसको कर्व करने के लिए 1999 में एक कमेटी बनाई गई थी, राघवन कमेटी। राघवन कमेटी 1999 में बनाई गई थी। इसमें क्या था, न्यू कंपटीशन लॉ को इंट्रोड्यूस करने के लिए कहा गया था, ठीक। तो इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी और ये जो रिपोर्ट है इन्होंने अपनी मई 2000 में दी है और ड्राफ्ट जो कमीशन कंपटीशन लॉ जो का ड्राफ्ट जो है वो तैयार हुआ था नवंबर 2020 में और पार्लियामेंट से पास हुआ है एक्ट 2002 का, ठीक है, यानी कि एक्ट जो 2002 में पास हुआ होगा और जो केम इन फोर्स हुआ है वो हुआ है जनवरी 2003 में इसका जो एक्ट है वो इन्फोर्स हुआ है यानी कि लागू हुआ है, ठीक। तो ये ब्रीफ हिस्ट्री रही है इसकी, कंपटीशन एक्ट की। हम थोड़ा सा डिफरेंस जान लेते हैं, डिफरेंस किसके बीच में, MRTP एक्ट और कंपटीशन एक्ट 2002 के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा, बहुत ही ब्रीफ में समझेंगे इसको, ठीक। तो ये सबसे बड़ी चीज़ मेन ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, कर्व मोनोपोलीज। मोनोपोलीज मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया थोड़ी देर पहले, मोनोपोलीज को कर्व करने के लिए जो एक्ट था MRTP एक्ट लाया गया था और यहाँ पर क्या करना है, प्रमोट करना है कॉम्पिटिशन को। जो कॉम्पिटिशन एक्ट है वो कॉम्पिटिशन को बेहतर मानता है, हेल्थी कॉम्पिटिशन होना चाहिए, वो मानता है कि जो हमारी जो मार्केट है उसके अंदर हेल्थी कॉम्पिटिशन होना चाहिए, उसको और ज़्यादा बढ़ावा देता है, ठीक, प्रमोट करता है। हेयर मार्केट डोमिनेंस, यहाँ पर मार्केट डोमिनेंस को बुरा समझा जाता है, अगर कोई कंपनी मार्केट को डोमिनेंस कर रही है तो वो ख़राब माना जाता है। डोमिनेंस का मतलब क्या है, वहाँ पर जैसे मान लीजिए 100 चीज़ें हैं, मतलब मार्केट में 100 रुपये का सेल हो रहा है और मान लीजिए कोई एक कंपनी वो 50 रुपये का सेल खुद ही करती है, बाकी बची कंपनी है वो 50 रुपये का सेल करती है, यानी कि एक कंपनी का डोमिनेंस है वहाँ पर, तो वो गलत माना जाता है MRTP एक्ट में। और लेकिन यहाँ पर जो है अब्यूज़ ऑफ मार्केट डोमिनेंस जो है, अगर मार्केट का डोमिनेंस हो रहा है और गलत वे में हो रहा है उसको गलत माना जाता है, ना कि मार्केट डोमिनेंस को, ठीक। तो ये एक थोड़ा सा कैच है यहाँ पर, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग या फिर परसेप्शन का मामला है यहाँ पर इस एक्ट, इन दोनों एक्ट, दोनों एक्ट्स में, ठीक है। और क्या है, और यहाँ पर जो प्रोविजन है कॉम्बिनेशन को, यहाँ पर द एक्ट कंटेंस प्रोविजन्स ऑफ कॉम्बिनेशन, यहाँ पर कॉम्बिनेशन आप समझते होंगे, कॉम्बिनेशन में क्या होता है, हम जब दो कंपनीज आपस में कंबाइंड होती है, मिलती है, मर्जर होती है, एक्विजिशन होता है, ठीक, एमलगमेशन होता है, उनको यहाँ पर एक्ट में रखा गया है, ठीक। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था, यानी कि कॉम्बिनेशन का कोई ऐसा एक्ट यहाँ पर या फिर ऐसा कोई रूल यहाँ पर नहीं बनाया गया था MRTP में, क्योंकि उस टाइम पे नहीं सोचा उन्होंने, और ये जो करंट टाइम है या फिर जो मॉडर्न टाइम है यहाँ पर उन्होंने सोचा कॉम्बिनेशन के जो प्रोविजन है वो यहाँ पर ऐड किए गए हैं, ठीक। इसके बाद में क्या है, यहाँ पर पेनल्टीज़ के बारे में कहा गया है, पेनल्टीज़ रखी गई हैं, अगर कोई ऑफेंसेस होते हैं तो उसके लिए पेनल्टीज़ रखी गई हैं, और लेकिन यहाँ पर कोई पेनल्टीज़ नहीं थी, ठीक है। तो ये भी एक अपग्रेडेशन है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, इंटेल्स कंपलसरी रजिस्ट्रेशन फॉर एग्रीमेंट्स रिलेटिंग टू रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। यहाँ पर अगर आप कोई रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस से रिलेटेड कोई अगर एग्रीमेंट कर रहे हो तो वहाँ पर आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, यहाँ पर कोई रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी नहीं है यहाँ पर, ठीक। ये है प्रोविजन फॉर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का मतलब क्या है, अनफेयर अगर आप कहीं गलत तरीके से कोई प्रैक्टिस करते हो, ट्रेड की प्रैक्टिस करते हो, तो उसको यहाँ पर बताया गया था, कहा गया था इसके बारे में। यहाँ पर कुछ चीज़ें, यहाँ पर ये चीज़ नहीं बताई गई, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की बात यहाँ पर नहीं की गई है, सिर्फ कॉम्पिटिशन की बात करता है, यानी कॉम्पिटिशन एक्ट में हम सिर्फ कॉम्पिटिशन की बात करते हैं, ना कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की। जब वहाँ पर देखिए MRTP का मतलब ही था मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, तो वहाँ पर वो चीज़ रखी गई थी, लेकिन यहाँ पर उसका जो ब्यौरा है वो फिर नहीं दिया गया है, ठीक। तो ये डिफरेंस मैंने आपको बेसिक बताया है इसके बारे में। इसके बाद में हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 की, बहुत ही सिंपल तरीके से हम समझेंगे इसको। सबसे बड़ी चीज़, फैसिलिटेट करना ट्रेड एंड फोस्टर कॉम्पिटिशन को, जो ट्रेड है उसको फैसिलिटेट करो और फोस्टर करो कॉम्पिटिशन को बढ़ावा देना है मेन यहाँ पर काम, ठीक। एस्टैब्लिश अ कमीशन टू प्रिवेंट प्रैक्टिसेस हैविंग अ एडवर्स इफेक्ट ऑन कॉम्पिटिशन। अभी हम बात करेंगे कमीशन कौन सा बनाया, CCI बनाया, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, CCI जो है, इसके बारे में अभी हम आगे वाली स्लाइड में पढ़ेंगे। तो इसके लिए कमीशन बनाया गया है जो रेगुलेटर का काम करता है और वहाँ से ही आपकी सारी जो चीज़ें हैं कॉम्पिटिशन को रोकने, कॉम्पिटिशन को बढ़ावा देने की, वो उसके बारे में बताया जाता है। प्रमोट एंड सस्टेन कॉम्पिटिशन इन मार्केट्स, वही बात है, प्रमोट करो, सस्टेन करो, आपका कंपटीशन जो हेल्थी कंपटीशन है वो मार्केट में होना चाहिए, ये बात कही जाती है। देखिए कंपटीशन जब होता है मार्केट के अंदर तो क्या होता है, कंपटीशन दो कंपनीज आपस में कंपीट करती हैं, उनके अंदर कंपटीशन किस बात का होता है,
प्राइस कम रखने का, अपने जो गुड्स की क्वालिटी वो बढ़ाने का, तो उससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा कंज्यूमर को ही होता है। इसीलिए जो गवर्नमेंट है या फिर कंपटीशन एक्ट है वो कंपटीशन, हेल्थी कंपटीशन को प्रमोट करना चाहती है। ठीक, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, वही बात है, इससे क्या होगा, कंज्यूमर का जो इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्ट होता है। इंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड इन द इंडियन मार्केट्स, वही बात है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड जो है वो इंश्योर होता है। तो ये चीज़ है, इसके बारे में हम, इसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पर फोर कंपार्टमेंट्स बनाए गए हैं। द फ्रेमवर्क ऑफ द कंपटीशन एक्ट 2002 हैज एसेंशियली फोर कंपार्टमेंट्स। इस जो कि पूरे एक्ट को हम चार कंपार्टमेंट के अंदर बांट सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ आपको एक एक करके इसको समझना पड़ेगा, एंटी कॉम्पिटेटिव एग्रीमेंट। कोई दो कंपनियाँ दो से ज़्यादा कंपनियाँ को ऐसा एग्रीमेंट ना करें जिससे कंपटीशन को हार्म हो, यानी कि एंटी कॉम्पिटेटिव नहीं होनी चाहिए कोई भी एग्रीमेंट जो है मार्केट के अंदर, एंटी कॉम्पिटेटिव नहीं होना चाहिए। मान लीजिए जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे CCI क्या करता है, जैसे आपको रिसेंट एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लीजिए सोनी और जी का, जैसे आप टीवी चैनल देखते होंगे, टीवी चैनल में क्या है, जो धारावाहिक यहाँ पर आते हैं, तो लास्ट टाइम शायद मतलब सोनी और जी का जो एक मर्जर हुआ है या फिर उनका कॉम्बिनेशन हुआ है, तो उन्होंने एग्रीमेंट किया है, तो वो जब दोनों आपस में मिल रहे हैं तो उससे क्या कोई उस मार्केट में क्या होगा, कोई एंटी कॉम्पिटेटिव एग्रीमेंट है ये, इस तरह से इसको देखा जाता है। ठीक, तो CCI चेक करती है उसको कि इससे क्या होगा, मार्केट में क्या होगा, कंज्यूमर के पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसके बारे में बात करता है। तो ऐसा कोई मार्केट के अंदर कोई ऐसा कंपटीशन या फिर ऐसा कोई एग्रीमेंट ना हो जिससे एंटी कंपटीशन की झलक मिलती हो। ठीक, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंस, कोई कंपनी अपना डोमिनेंस अब्यूसिव तरीके से स्टार्ट ना कर सके। ठीक, यानी कि अपना जो डोमिनेंस है वो अब्यूसिव तरीके से ना ले ले, तो इसके बारे में बात करता है सेक्शन 4, और इसके बारे में बात करता है सेक्शन 3। ठीक है, फिर कॉम्बिनेशन रेगुलेशन की बात करता है। कॉम्बिनेशन रेगुलेशन का मतलब क्या होता है कि जब कोई कंपनीज, दो या दो से अधिक कंपनी जब आपस में मिलती हैं, कंबाइन करती हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पर रेगुलेशन की बात की गई है सेक्शन 5 और 6 में। ठीक, और लास्ट है हमारा कंपटीशन एडवोकेसी। कंपटीशन एडवोकेसी के बारे में सबसे ज़्यादा डिटेल बात की गई है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, यानी कि CCI जो रेगुलेटर है, अभी हम इसको देखेंगे, तो ये चीज़ के बारे में बात की गई सेक्शन 49 के बारे में। ठीक, तो 49 में इसके बाद हम देखने वाले हैं फंक्शंस ऑफ CCI। तो भाई जो मैंने बताया आपको, द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक्ट एज एन कॉम्पिटिटिव कंपटीशन रेगुलेटर। जो CCI है वो कंपटीशन रेगुलेटर का काम करता है इंडिया में। द कमीशन वॉज इस्टेब्लिश इन 2003। ठीक, और बिकेम फुल्ली फंक्शनल जो हुआ है वो हुआ है आपका 2009 में ही। वो आपको डेट याद रखनी है, डेट नहीं ईयर याद रखना है थोड़ा सा एक बार। ठीक, और जो मैंने आपको बताया एडवोकेसी सेक्शन 49 में दिया हुआ है, सब इसके बारे में डिटेल में बताया गया है। ठीक, तो ये करता क्या है, मेजर्स फॉर प्रमोशन ऑफ कंपटीशन एडवोकेसी, क्रिएटिंग अवेयरनेस एंड इम्पार्टिंग ट्रेनिंग अबाउट कंपटीशन इश्यूज। मेन फंक्शंस इसके क्या क्या हैं, देखिए मेन फंक्शंस इसको समझ लीजिए, इंश्योरिंग दैट द बेनिफिट एंड वेलफेयर ऑफ द कंज्यूमर्स आर मेंटेन इन द मार्केट। ठीक, हो गया, फेयर एंड हेल्थी कंपटीशन, मार्केट बना रहे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द नेशन। ठीक, इंश्योरिंग द एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द नेशंस रिसोर्सेज, ये भी है। इसके अलावा इट इज़ ऑल्सो द एंटी ट्रस्ट ओम्बड्समैन फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मान लीजिए आप छोटी कंपनी हो और आपने देखा कि दो हमसे बड़ी कंपनियों ने आपस में मिलकर कहा कि भैया हम मार्केट को डोमिनेट करेंगे, यानी कि ये क्या हो गया, एंटी ट्रस्ट यहाँ पर आपको लग रहा है कि अगर आपको लग रहा है कि ये गलत हो रहा है मार्केट के अंदर, तो आप जाकर CCI के पास जाकर अपनी अर्जी दे सकते हो, उसमें वो चेक करेंगे उनके बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है वो गलत है या सही है, इसके बाद में उस पर डिसीजन लेंगे। ठीक, CCI ऑल्सो स्क्रूटिनाइज फॉर एनी फॉरन कंपनी इंटरेस्ट इन द मार्केट थ्रू मर्जर एक्विजिशन। अगर कोई बाहर की कंपनी, यानी कि फॉरेन कंपनी को यहाँ पर आकर किसी अन्य कंपनी के साथ में मर्जर करती है, एक्विजिशन करती है, तो उसके बारे में भी CCI ध्यान रखती है कि ऐसा ना हो जाए कि वो डोमिनेट करने लगे, मार्केट में डोमिनेट करने लगे। ठीक, तो ये इसका भी ख्याल रखती है। ठीक, तो ये है यहाँ पर कि आपको बाहर की कंपनियों से भी बचाती है, मतलब जो डोमेस्टिक कंपनीज है, डोमेस्टिक जो सेलर्स हैं उनको फॉरेन के टेक ओवर से बचाती है, ऐसा समझ सकते हो। ठीक, द CCI हैज़ पावर ऑफ सिविल कोर्ट, जो CCI के अंदर है, मतलब CCI जो है उसके पास सिविल कोर्ट के पावर हैं फॉर गैदरिंग एविडेंसेस, मतलब वो अपना कह सकते हो अपनी जांच में बहुत सारी चीज़ें कर सकती है जो कोर्ट्स कर सकते हैं, वही काम ये कर सकती है CCI जो है एक संस्था, एक रेगुलेटर की तरह काम कर सकती है। तो ये था हमारा ये वीडियो जो आपका कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 के ऊपर आया और प्रतिस्पर्धा अधिनियम। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली हुई यहाँ पर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। God bless you all.